नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। तमिलनाडु में डीएम के नेता और प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने भाजपा महिला नेता और एक्ट्रेस खुशबू सुंदर को पुराना ढोल बताया। विवाद बढ़ने के बाद रविवार को उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने 3 जून को डीएमके के पूर्व संरक्षक कलिंगनार करुणानिधि के जन्मदिवस पर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने 2 अन्य मंत्रियों को कुछ विभाग बांटे थे। गवर्नर ने कहा था यह गलत है, अगर वो कुछ कहते हैं तो उन्हें उस पर टिके रहना चाहिए। उन्होंने कहा था मंत्रियों के प्रपोजल को वो स्वीकार नहीं करेंगे, अगर वो वाकई में अपनी माँ से पैदा हुए होते तो अपनी बात पर टिके रहते, लेकिन बाद में वो पलट गए। वहीं डीएमके अगर कुछ कहती तो उस पर टिकी रहती है, भले उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी का बलिदान क्यों न देना पड़े। खुशबू ने रविवार को ट्विटर पर शिवाजी की एक अनवेरीफाइड वीडियो शेयर की। वीडियो में शिवाजी भाजपा नेता पर गलत कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर खुशबू ने लिखा कि इस आदतन अपराधी का गलत कमेंट डीएमके में चल रही राजनीतिक संस्कृति को दिखाता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।